गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आज का व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ महेश्वर में आकर के। मैं अभी जो खड़ी हुई हूँ यहाँ पे महेश्वर में ही खड़ी हूँ मैं। सो अभी मैं अंदर आई थी तो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट व्लॉग शूट करा। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। और आज हम लोग साथ में घूमने चलेंगे महेश्वर, तो मैं आप लोगों को यहाँ का पूरा सीन दिखाती हूँ। सो गाइज, मैं अब आ चुकी हूँ आज महेश्वर। मैंने आपको बताया था मैं घूमने जा रही हूँ, तो फाइनली जो मेरा मेन डेस्टिनेशन था महेश्वर, वहाँ मैं आ चुकी हूँ। तो आप लोगों का यहाँ बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये महेश्वर का बाहर गेट है। सो मैंने यहाँ पे स्टे लिया है, तो मेरा जो होटल है वो जस्ट जो गेट है महेश्वर का उसके जस्ट पास में ही है। तो मुझे यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ से जो फोर्ट है वो बहुत ज़्यादा पास है, ऑलमोस्ट 100 meters की डिस्टेंस है। और पीछे ही महेश्वर का घाट है। एंड अब मैं आप लोगों को लेके चलूँगी मेरे रूम में, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रूम कैसा है। एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगा रूम, तो चलिए रूम तक चलते हैं हम। रूम में ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरा लगेज आके रखा हुआ था, तो रूम ऑलरेडी ओपन है। ये रूम देखने में ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट इस रूम में ये एक अच्छी चीज़ है कि कम ही जगह में इन लोगों ने सारी चीज़ें आपको दी हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, लाइक बाथरूम है, टेलीविजन है, इतनी प्यारी विंडो है, जहाँ से एकदम बाहर एकदम अच्छा सा सीन दिखा रहा है, बाहर एक स्कूल का सीन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब सीन भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे साइड पे है। एंड यहाँ पे आपकी यूज नीड्स के लिए मतलब कबर्ड वगैरह भी है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं। सो छोटे से एरिया में बहुत अच्छा रूम है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड बेसिकली ये जो ऐसे प्लेसेस होते हैं घूमने वाले, सो इन जगह पे ऐसे ही रूम ज़्यादा होते हैं। मैं आपको इस रूम के रेट्स भी बता देती हूँ। ये रूम जो है बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ऐसा मैं बोल सकती हूँ। एंड ये रूम आपको 500 के अप्रॉक्स 1000 तक की रेंज में कहीं भी मिल जाता है, सीज़न के डिपेंड के हिसाब से कौन सा सीज़न है, आप कब आ रहे हो। जैसे मैं अभी आई हूँ तो आज संडे भी है, और मेन थिंग कि कल सावन का सोमवार रहेगा मंडे को, तो इस वजह से यहाँ पे आज रश भी ज़्यादा होता है महेश्वर में, बिकॉज घाट पे बहुत लोग आते हैं सावन के सोमवार में। तो इस वजह से मुझे रूम थोड़ा सा फिर भी एक्सपेंसिव मिला है। तो मुझे रूम मिला है 700 पर रूम का पर नाइट। तो मे भी आप लोगों को थोड़ा सस्ता मिल जाए या थोड़ा एक्सपेंसिव मिले, डिपेंड्स आप कौन से सीज़न में आते हैं। सो ये है स्कल्पचर देवी अहिल्याबाई होलकर का। बंदूकें हैं, तलवार, पालकी है ये। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पे, जहाँ पे मैं खड़ी हुई यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ जो आपने मूवी देखी होगी पैडमैन, उसकी पूरी शूटिंग यहीं पर हुई थी। मैं आपको पूरा जगह दिखाती हूँ, पैडमैन मूवी जो शूट हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, यही उसकी बालकनी एरिया दिखाते थे जहाँ पर अक्षय कुमार लटका था। वो पीछे सीढ़ियाँ दिख रही हैं, वहाँ से वो ऊपर आता था। तो ये पूरा एरिया वही है जहाँ पर पूरी मूवी शूट हुई थी। एंड वो सामने आपको एंट्री गेट दिख रहा है होगा, वहीं पर जहाँ पे वो साइकिल जाके हमसे साइकिल पार्क करता था, उसके बाद सीढ़ियाँ चढ़ता था। तो ये पूरा एरिया वही ही है। ये है महेश्वर फोर्ट, और पीछे है महेश्वर टेम्पल मेरे जस्ट। और मैं अभी यहाँ पे हूँ ऊपर की साइड, अभी बस मैं नीचे जाऊँगी घाट पे, तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, मैं टेम्पल में भी जाऊँगी तो वहाँ पे भी आपको दिखाऊँगी। तो अपन लोग चलिए चलते हैं। Yeah.
देख रहा होगा मेरी हालत देखिए कि मैं किस हालत में हूँ। तो मैं अभी अभी नीचे नदी में नहाकर आई हूँ और मैं वहाँ पर शूट नहीं कर पाती थी, पानी में फ़ोन का रिस्क था, तो मैं इसलिए आपको अब दिखाई मैं अभी अभी नदी से नहाकर आई हूँ। अब हम रेडी होकर के जाएंगे मंदिर। तो मैं अभी घाट पे गई थी नहाने, मैंने आपको बताया, तो मैं बस फटाफट से रेडी हो गई उसके बाद। और अभी यहाँ हो गई है बारिश शुरू, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं भी ऊपर खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना, तो मैं फटाफट से ऊपर आ गई बारिश तेज़ हो उससे पहले ही। तो मैं आपको एक बार यहाँ से पूरा सीन दिखाती हूँ। मैं अभी यहाँ आई हूँ रेडी होने के बाद शॉपिंग करने के लिए। थोड़ी सी यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ सामान ले लूँ। यहाँ पे बहुत यूनिक यूनिक सामान मिल जाता है, बहुत अच्छा अच्छा भी। मैंने एकदम ठंडा ठंडा सोडा, और सोडा पीने के बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे थोड़ी सी और शॉपिंग करने, मतलब कि साड़ी लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे साड़ियाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। मतलब मैंने कभी सुना है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस साड़ियाँ, यहाँ पे हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ होती हैं। तो मैं यहाँ पे साड़ियाँ लेने आई हूँ, बिकॉज आपने भी सुना ही होगा महेश्वर की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब फेमस होती हैं। हर किसी से आप, मतलब मैंने यही सुना है कि यहाँ की साड़ियाँ लेनी चाहिए एक बार। सो मैं साड़ी लेने आई हूँ। उड़ गया बिल्कुल, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं वैसे बहुत थक चुकी हूँ, तो वैसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो गाइस मैंने साड़ी ली थी, बट वो एक्चुअली मैंने रखवा दी है रूम पे। सो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, एक स्कूल था पीछे जहाँ मेरा होटल है, उसके जस्ट पीछे एक स्कूल है, ये दी अहिल्या स्कूल। सो मैं यहाँ आई थी अभी जैसे ऐसी घूमने के लिए। सो बहुत ही अच्छा स्कूल बना हुआ है, मतलब लिटरली अब कित यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटी की चीज़ें बनी हुई हैं ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा ये स्कूल भी। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना बड़ा प्लेग्राउंड टाइप है, पूरा मैदान है घूमने के लिए, खेलने के लिए, तो बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे को ना वैसे भी घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसे घूमती रहती हूँ जनरली। और अब जब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो आप लोगों को मेरे संग घूमने का मौका ऐसा मिलता रहेगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का पूरा सीन। सो महेश्वर की स्पेशलिटी है यहाँ की हैंडलूम साड़ियाँ, तो मैं आज आप लोगों को वही दिखाती हूँ कि हैंडलूम साड़ियाँ कैसे बनती हैं। तो मैं आज बी एस की हैंडलूम साड़ी की एक फैक्ट्री है, रेवा फैक्ट्री महेश्वर फोर्ट में ही, तो मैं वहाँ पर विजिट करने आई थी उसकी फैक्ट्री में, हैंडलूम साड़ियाँ कैसे बनती हैं वो देखने के लिए। सो गाइस अब मैंने फाइनली प्रसाद ले लिया है और मैं जा रही हूँ यहाँ पर मंदिर में, बिकॉज मेरा प्लान मॉर्निंग का था कि हम लोग यहाँ से नहाने के बाद पहले डायरेक्टली मंदिर जाएंगे, बट बारिश की वजह से नहीं जा पाए, तो अब हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सो अपन चलते हैं पहले मंदिर, मंदिर के दर्शन करेंगे, फिर हम देखते हैं हम क्या करेंगे। मंदिर जाकर प्रसाद भी चढ़ा दिया है, एंड मेरे को मतलब प्रसाद चढ़ाना था तो वो हो गया है काम। मैं मंदिर में दर्शन भी करके आ चुकी हूँ। अभी मैं जस्ट ऐसी यहाँ पे एक बाहर जगह थी जहाँ पे थोड़ा सा ओपन एयर टाइप आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पे बैठना, तो मैं यहाँ आकर बैठी हुई थी। तो बस थोड़ी सी बातें आप लोगों से
भी कर लूँ। तो बस मैं अभी यहाँ पे बैठी थी, तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होंगी। और बैठी हूँ यहाँ पे, जो नदी है ना इतनी बड़ी नदी है कि मतलब जिसका कोई एंड ही नहीं है। मैं यहाँ पे देखने का ट्राई कर रही थी कि नदी स्टार्ट कहाँ से है, बट मुझे यहाँ पे दिखा ही नहीं कहाँ से नदी शुरू हुआ कहाँ पे खत्म। इतनी ज़्यादा बड़ी नदी है। एंड आज इवन यहाँ पे ना वेव भी बहुत ज़्यादा है पानी में। आई थिंक ये तो बहुत ज़्यादा वो डैम वगैरह खोल देते हैं ना, तो उसकी वजह से जो वेव बढ़ जाती है, पानी का प्रेशर हो जाता है, वो है बिकॉज बहुत ज़्यादा वेव हो रही है पानी में। क्योंकि जब मैं नहाने भी गई थी ना, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा वेव थी कि मतलब आप खड़े नहीं हो पा रहे थे पानी में। गाइज़ मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं सब फोर्ट घूमने आई, मंदिर वगैरह जाना था। सो महेश्वर तो मैं पूरा घूम चुकी थी, मतलब जो मेन फोर्ट है वो महेश्वर फोर्ट। बट वहाँ पे घूमने के बाद हमने एक्चुअली पता किया कि यहाँ पे और कोई ऐसी अनएक्सप्लोर्ड प्लेस हो जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बट ऐसी जगह होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं एंड जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई होती हैं अभी। तो मैंने एक वो जगह पता करी थी। सो मुझे पता चला है यहाँ पे सहस्त्रधारा है। सहस्त्रधारा बोले तो जलकुटी नाम है इसका, एंड इसका सेकंड नेम है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा बेसिकली का मतलब है यहाँ से ना नदी जो है सात धाराओं में बटती है, नर्मदा नदी, तो इस वजह से इसका नाम सहस्त्रधारा रखा है। एंड ये महेश्वर फोर्ट से बहुत पास में, मतलब अप्रोक्स 6 किलोमीटर दूर है। सो बाय कार तो हमको यहाँ पर आने में सिर्फ 10 मिनट लगे होंगे हार्डली। सो बहुत अच्छी जगह है। लाइक आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा होगा कितना सारा बैकग्राउंड में आपको दिखा रही हूँ। पानी तो ज़्यादा नहीं है, बहुत सारे एरिया में है पानी, अलग अलग सेपरेशंस में है। आपको मेरा पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा। तब हम यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा घूमने और हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब मैं जलकुटी से निकलकर यहाँ मंदिर आ चुकी हूँ। जलकुटी मैं विजिट कर चुकी हूँ। सो अब ये नेक्स्ट पॉइंट था ये मंदिर। सो अब हम यहाँ पर आए हैं, तो अब हम अंदर एंट्री लेते हैं। ये है पीछे मेरा मंदिर। तो अब यहाँ हम जा रहे थे भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो भोलेनाथ जी के दर्शन करने से पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है नंदी महाराज। तो हम पहले जाते हैं नंदी महाराज के दर्शन करने, अब वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने नंदी महाराज के भी दर्शन कर लिए, तो अब हम चलते हैं सीधे अंदर मंदिर में भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो चलिए आप लोग मेरे साथ, अपन लोग साथ मिलकर दर्शन करेंगे।